जेसन रॉय का तूफान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के खिलाफ इस कदर आया कि सभी गेंदबाजों का धागा ही खोल कर रख दिया। शुरुआती पावर प्ले में ही जेसन रॉय ने सिर्फ 29 गेंदों में 56 रनों की पारी खेल दी। जेसन रॉय ने शाहबाज के एक ही ओवर में 4 छक्के भी लगा दिए थे। वहीं उनकी ताबड़तोड़ शुरुआत के चलते टीम एक बड़े लक्ष्य तक भी पहुंची और उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसके बाद उन्होंने अपने भावुक बयान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस मुकाबले का टॉस आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजी चुनने का यह फैसला काफी ज्यादा गलत साबित हुआ क्योंकि जेसन रॉय और जगदीशन की जोड़ी ने आरसीबी की टीम की कमर ही तोड़ दी थी। पावर प्ले में 6 ओवर में 66 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। उसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने थोड़े मुकाबले में वापसी करी। जगदीशन इस मुकाबले में 27 रन बनाकर आउट हुए तो जेसन रॉय ने 29 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके अलावा वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने भी धमाकेदार बल्लेबाजी कर डाली। अय्यर ने 31 रन बनाए तो नीतीश राणा ने 21 गेंदों में 48 रन ठोक दिए और अंत में रिंकू सिंह ने 10 गेंदों में 18 रन की पारी खेली तो वहीं डेविड वीजा ने 3 गेंदों में 12 रन ठोक दिए और टीम को 200 रनों के पहाड़ समान स्कोर तक पहुंचा दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विराट कोहली की टीम की शुरुआत धाकड़ रही थी। दोनों छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश हो रहा था लेकिन फैफ डुप्लेसी सटर के स्कोर पर सुरेश शर्मा की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद तो एक छोर से विकेट का पतझड़ सा लग गया। शाहबाज अहमद 2 रन बनाकर आउट हुए तो ग्लेन मैक्सवेल को वरुण चक्रवर्ती ने 5 के स्कोर पर चलता कर दिया। 58 के स्कोर पर 3 विकेट हो चुके थे लेकिन विराट कोहली के बल्ले से लगातार शानदार शॉट देखने को मिल रहे थे। लोमरोर 18 गेंदों में 34 रन बना गए और विराट कोहली 37 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन मुकाबला यहां से केकेआर की गिरफ्त में जा रहा था। अंतिम 21 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी लेकिन दिनेश कार्तिक क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से खेल हो रहा था अंत में केकेआर की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ली। टीम की शानदार जीत के बाद जेसन रॉय की बल्लेबाजी में हर कोई तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। रॉय की बल्लेबाजी के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से तो नवाजा ही गया लेकिन रॉय ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा खुशी जाहिर की। लेकिन उन्होंने कहा कि यह खुशी और भी ज्यादा दोगुनी हो सकती थी अगर शुरुआती कुछ मुकाबलों में जो मैंने मिस किए उसमें मुझे टीम में शामिल किया जाता क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि मैं अपनी टीम को एक सर्वश्रेष्ठ और तेज शुरुआत दिलाऊं जिसकी वजह से आने वाले बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाज करना आसान रहे। जब हमें एक अच्छी शुरुआत मिलती है तो हमारी टीम एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकती है। शुरुआती मुकाबले हारने का कारण भी यही रहा कि तेज बल्लेबाजी शुरुआत में नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से 3 मुकाबलों को नहीं जीत पाई हमारी टीम। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने हर मुकाबले में अपनी टीम के लिए रन किए और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आने वाले मुकाबलों में भी अपनी टीम के लिए रन करूं और अपने टीम को प्लेऑफ में पहुंचाकर टीम के मालिक को भी वह खुशी दूं जिसे हासिल करके वह भी खुश हो जाए क्योंकि उन्होंने हम पर पैसा लगाया है और बदले में वह यही चाहते हैं कि उस पैसे को वह वसूल लें और हम उन्हें के लिए टीम को प्लेऑफ में जरूर पहुंचाएंगे। इस तरह से दिल जीत लेने वाली बात जेसन रॉय ने कही। लेकिन आप सभी रॉय की शानदार बल्लेबाजी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल क्रिकेट।